गिनती गिना रहे थे चिराग। हाँ हाँ हाँ, परिवार आया था। खैर मुझे जिसने पासवान जी का सब लाश आया था पटना एयरपोर्ट पर, उस परिवार को मिलने क्यों नहीं दिया? उनकी पहली पत्नी थी, उनकी दोनों बेटी थी, जिसके चलते साधु पासवान रोड पर सो गया था, गाड़ी के नीचे सो गया था। कि चिराग पासवान से पूछे कि उस दिन आपकी बहन नहीं थी, उस दिन आपकी माँ नहीं थी? और आज अब कहते बहन और माँ, पहले कहता था कि इसका शरीर महत्व था, इसके शरीर इसके साथ नहीं बैठे। उससे पूछिए कि गलत है कि सही है। प्रिवेंट क्वार्टर में रखता था। सियानी बिल्ली सम्मान के नहीं होता है। चिराग उसको लगातार एकदम हाजीपुर को एकदम पकड़ा, हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा, मेरे खिलाफ लड़ेगा। आपको लगता है कि एकदम वो तैयारी कर ली है? अरे वो लड़े, उनकी माँ लड़े, कोई तो लड़ेगा ना जी। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग रोज चुनाव जीत के चले जाएंगे, कोई तो लड़ेगा। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फाउंडेशन पर। चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में जो लड़ाई है वो सबके सामने है। पार्टी दो फाड़ हो गई। पशुपति कुमार पारस मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं, तो चिराग पासवान एनडीए में है या नहीं ये अभी तक साफ नहीं है। जाहिर तौर पर चिराग पासवान एक तरफ जहां पशुपति कुमार पारस या फिर पारस गुट के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, तो दूसरी तरफ पशुपति पारस भी चिराग पासवान को हर मौके पर नीचा दिखाने की हर संभव कोशिश करते रहे हैं। लेकिन आज चाचा का दिल पिघल गया है। चाचा ने चिराग पासवान को लेकर के ऐसी बातें कही हैं जिसके बारे में शायद चिराग पासवान ने न कभी सोचा होगा। चिराग पासवान के बारे में बात करते करते चिराग के पासवान के चाचा यानी कि पशुपति पारस का गला भर आया। किस तरीके से उन्होंने अपने दर्द का इजहार किया और किस तरीके से चिराग पासवान को पशुपति पारस की तरफ से कहा गया कि उन्होंने ही परिवार के साथ साथ पार्टी को तोड़ने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सुनवाते हैं आपको। जहाँ मैं भी देखने गया था, लिप्टन का वो विस्तार केंद्र है, विस्तार केंद्र है लिप्टन का, इसमें चार वोट प्लांट लगे, ये नया ऑफिस हम लोग खोलने जा रहे हैं। BSNL का BSNL का मंत्रालय पहले था, पासवान जी उसको CDM ऑफिस खोले थे, लेकिन सौभाग्य से फिर उनको मौका मिला है खोलने का। तब यहाँ भी हमारे विभाग का ऑफिस है, लिप्टन का विस्तार केंद्र है, इसको हम लोग यहाँ किराए पर ले रहे हैं। 10,500 square feet की ज़मीन है, इसको हम लोग हमारा विभाग किराए पर ले रहा है। और मैं समझता हूँ कि सितंबर तक में या अगस्त के लास्ट में इस ऑफिस का उद्घाटन हो जाएगा। इसमें चार सेंटर बनेगा, ट्रेनिंग सेंटर है, चार सेंटर बनेगा। चार सेंटर का नाम है रेडी टू ईट, दूध प्रसंस्करण, बेकरी प्रसंस्करण, बेकरी एंड फूड एंड वेजिटेबल, ये चारों लिखे। और उसे अंग्रेजी सब बढ़िया होता, फूड प्रसंस्करण है। गिनती गिना रहे थे चिराग? हाँ हाँ हाँ, परिवार आया था। खैर मुझे जिसने पासवान जी का सब लाश आया था पटना एयरपोर्ट पर, उस परिवार को मिलने क्यों नहीं दिया? उनकी पहली पत्नी थी, उनकी दोनों बेटी थी, जिसके चलते साधु पासवान रोड पर सो गया था, गाड़ी के नीचे सो गया था। कि चिराग पासवान से पूछे कि उस दिन आपकी बहन नहीं थी, उस दिन आपकी माँ नहीं थी? और आज अब कहते बहन और माँ, पहले कहता था कि इसका शरीर महत्व था, इसके शरीर इसके साथ नहीं बैठे। उससे पूछिए कि गलत है कि सही है। प्रिवेंट क्वार्टर में रखता था। सियानी बिल्ली सम्मान के नहीं होता है। चिराग उसको लगातार एकदम हाजीपुर को एकदम पकड़ा, हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा, मेरे खिलाफ लड़ेगा, जनता फैसला करेगी। आपको भी लगता है कि एकदम वो तैयारी कर ली है? अरे वो लड़े, उनकी माँ लड़े, कोई तो लड़ेगा ना जी। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग चुनाव जीत के चले जाएंगे, कोई तो लड़ेगा, किसी भी दल से लड़ेगा। हम NDA के उम्मीदवार हैं, बाद में चिराग पासवान कौन पार्टी के उम्मीदवार होते हैं उनसे ना पूछिए, वो लड़ेंगे या उनकी माँ लड़ेगी, लेकिन हम तैयार हैं। कोई लड़े, वो उनकी माँ लड़े, वो भी लड़े, प्रजापति ने यह हाजीपुर जो सब फैसला किया। अच्छा, ये लालू जी पे शिकंजा कसता जा रहा है, भोला यादव भी शिकंजे में आ गए, उसको कुछ कहेंगे क्या? कि जरूर कहूँगा। देखिए देश है, देश में खास करके हिंदुस्तान में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, डेमोक्रेसी है, यहाँ कोई राजतंत्र नहीं है, डेमोक्रेसी है। और देश का कानून जो है, चाहे कितनों से बड़ा बड़ा हस्ती हो और छोटा से छोटा हस्ती हो,
सबके लिए भाई साहब एक कानून है, आपको एक वोट देने का अधिकार है कि दो वोट देने का अधिकार है? देखिए ना, हमको हम भारत सरकार के मंत्री, हमको भी एक ही वोट देने का अधिकार है। ये मौलिक अधिकार है, जब मौलिक अधिकार का हनन होगा, कानून का यदि आप कानून का पालन नहीं करिएगा, कानून अपने काम पर आता है। उसमें कोई लालू जी ही नहीं है कि देश में साथ दर्जनों लीडर है जिसके घर में ईडी का छापा पड़ रहा है, तो कानून अपना काम करेगा। उसमें किसी का कोई शिकवा शिकायत नहीं है कि सरकार में ये हो रहा है वो हो रहा है। देश का जो कानून है, कानून के तहत जो गलत काम करेगा उसको कानून अपना ईडी और सीबीआई के छापा करें। कि पशुपति कुमार पारस पहुंचे थे स्वर्गीय रामविलास पासवान के संसदीय क्षेत्र हाजीपुर, और वहां पर उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहां पर जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे तब उन्होंने चिराग पासवान को लेकर के ये बातें कहीं। उन्होंने साफ कहा कि चिराग पासवान अगर चाहते तो ना लोजपा टूटती और ना परिवार। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।